नमस्कार। द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय से अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया के अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्रालय से अपील करना चाहूंगा कि FIR के अनिवार्य पंजीकरण के राजस्थान मॉडल को देश भर में लागू किया जाए। राजस्थान की भाजपा सरकार भी ये सुनिश्चित करे कि हमारे सरकार के समय लागू की गई अनिवार्य FIR नीति यहां जारी की जाए। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से उछल कूद कर रहे हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की सरकार में हुआ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुष्कर्म हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि डॉक्टरों के मन में एक असुरक्षा और भय का माहौल है, उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम राजनीति में हो, अदालतों में हो या मीडिया में हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के मन में जो भय है उसको दूर करना चाहिए। राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा CET ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही पात्रता परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड की ओर से CET ग्रेजुएशन लेवल में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया था। स्टूडेंट्स के नेगेटिव फीडबैक के बाद अब बोर्ड ने इस प्रक्रिया में बदलाव का फैसला किया है। ऐसे में अब स्टूडेंट बिना नेगेटिव मार्किंग CET में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं BJP नेता उपेन्द्र यादव ने CM का आभार जताया। LDC भर्ती में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के सैकड़ों युवाओं ने जवाहर सर्किल पर सांकेतिक प्रदर्शन किया। कर्मचारी चयन बोर्ड की विसंगतियों के खिलाफ युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस मौके पर हनुमान किसान, अशोक चौधरी सहित अन्य बेरोजगार नेता मौजूद रहे। वहीं अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो 28 अगस्त को उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शुक्रवार को नाथद्वारा पहुंची। वहीं उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए। इस अवसर पर मंदिर मंडल के अधिकारियों ने समाधान पद्धति से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में सर्व समाज ने प्रदर्शन किया और रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गोलूवाला के मुख्य बाजार में रैली निकाली और प्रदर्शन किया। वहीं दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले से हनुमानगढ़ जिले का एक व्यक्ति इतना व्यथित हुआ कि वह नागरिकों को जागरूक करने के लिए निकल पड़ा। नोहर निवासी संदीप टाइल मिस्त्री का काम करता है और कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद संदीप बेटियों की सुरक्षा के लिए दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर बाइक पर बेटियों की सुरक्षा संबंधी स्लोगन लिखी पट्टियां लेकर घूम रहा है। उसकी इस मुहिम में उसका 12 वर्षीय बेटा मोहम्मद तौफीक भी उसका साथ दे रहा है और दोनों पिता पुत्र बाइक पर घूम घूम कर बेटियों की सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। पंजाब कांग्रेस ने इस मामले में धरना दिया और राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे कि लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने हल्के बल प्रयोग के बाद नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता ने प्रदेश मुख्यालय के बाहर धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार के कुप्रबंधन के कारण शेयर बाजार में गिरावट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई को 5 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। केजरीवाल ने अपनी इस याचिका में जमानत की मांग करते हुए कथित शराब घोटाले में CBI द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। नमस्कार।